सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज के नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो यार देखो, मैंने एक पोस्ट डाल दी थी आप सबके लिए कि मैं वीडियो नहीं डाल पाया उस दिन। उससे पहले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से सॉरी बोलता हूँ क्योंकि उस दिन वीडियो नहीं आ पाई। आज का वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इस वजह से होने वाला है, हमने रिसेंटली शायद काफ़ी टाइम हो गया है, शायद 2 मंथ हो चुके हैं या फिर 1 महीना हो चुका है अब, कि एक फिश बॉल मैंने सेटअप किया था, एक प्लांटेड फिश बॉल सेटअप किया था। और मैंने आप लोगों से बोला था अगर ये अच्छे से काम करता है और मतलब इसमें अगर प्लांट अच्छे से ग्रो होते हैं तो मैं आपको इसके बारे में एक अपडेट वीडियो दूंगा। तो ये वीडियो उस फिश बॉल की अपडेट वीडियो समझ लो, अपडेट वीडियो बनाने क्लीनिंग भी बता दूंगा, थोड़े से मेंटेनेंस भी बता दूंगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि इस वीडियो में आपको मैंने फुल्ली प्लांटेड बनाने से लेके उसको किस तरह से टेक केयर करना है ये वीडियो में पूरा कवर करने वाला। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फटाफट से आज वीडियो, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, कोई बात इतना नहीं करने वाले, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको अपना फिश बॉल दिखाता हूँ, दिखाऊँ। सो ये देख सकते हैं, ये मेरा फिश बॉल है। इसकी आप कंडीशन के ऊपर मत जाना क्योंकि कंडीशन थोड़ी सी पानी लेवलअप हो गया है क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। इसका भी पानी देख सकते हो थोड़ा सा लेवलअप कम हो गया है। बट हाँ, इसमें का प्लांट देखो, देखो इसमें आप प्लांट की ग्रोथ देखो कितनी अच्छी हो रही है। आप वो लीव्स देख रहे होंगे जो नए नए लीव्स आ रही है, नए नए जो ग्रो हो रहे हैं। उसी के साथ में अगर आप यहाँ पे नीचे देखो तो पूरा ये जंगल टाइप में बन चुका है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, बाबू दिखा दो थोड़ा सा इसको ये करके, ये देखो ये कुछ रेड प्लांट है, देखो ये कुछ रेड प्लांट है। और ये हमारे यहाँ पर कुछ अच्छे लीव्स भी ग्रो हो रहे हैं, ये भी थोड़ा अच्छा ग्रो हो रहा है पर लिटिल स्लो ग्रो हो रहा है। जस्ट इट्स बिकॉज कि यहाँ पर कोई CO2 नहीं है सिस्टम, गार्डन सॉइल का यूज़ किया है। इसके नीचे में अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसके नीचे में यहाँ पे मैंने गार्डन सॉइल डाली है। इसके नीचे में पहले गार्डन सॉइल है, उसके बाद से ऊपर में मैंने रिवर सैंड डाली है, स्टोन्स और डीफ्रूट का। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर मैं वीडियो के एंड में लगा दूँगा, जाके इसका वीडियो जरूर से देख लेना। तो फटाफट से अपडेट सुनो। एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अलगी देखने के लिए मिला था, जो आप वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा अगर इसमें अलगी देखने के लिए मिला था, बट कोई इशू नहीं है, हमने उसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक प्लैको फिश ऐड कर दिया है जिस वजह से ये थोड़ा मेरा बॉल को और अलगी को क्लीन रखता है, पूरी तरह से क्लीन रखता है। यहाँ पर इस प्लांट की ग्रोथ भी थोड़ा स्लो ग्रो हो रहा है, मतलब हाँ ग्रो हो रहा है प्लांट, पर ये देखते थे वैलेस ने देखो कितना अच्छा ग्रो हुआ है, पूरा फैल गया वैलेस ने दिया। और यहाँ पे भी ये प्लांट काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे, पीछे में भी ग्रो हो रहे, थोड़ा सा वुड भी उठ गया था, मैंने उसको वापस से सेट किया है नीचे में। अभी ये देखो ये उठा हुआ है पर मैं इसको वापस से सेट किया है, अभी क्लीनिंग में आप देख लेना। तो मेरा फिश बॉल का कंडीशन 2 मंथ में कुछ ऐसा आया है। आई होप कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा और फर्टिलाइज़र यूज़ करूँ, क्योंकि मैंने अब तक कोई भी इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है, तो आई होप अगर मैं इसमें कुछ फर्टिलाइज़र यूज़ करूँ तो ये थोड़ा सा और अच्छा ग्रोथ इसको देखने के लिए आपको मिलेंगी। वैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखो ये भी प्लांट वापस से ग्रो होने लगे, फिशेज सारी मस्त दिख रही है। ठीक है, इसका भी वीडियो है देख लेना, स्क्रीन में लगा दूंगा। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, इसमें प्लांट ग्रो क्यों हो रहे हैं, ऐसा मैंने क्या किया कि इसमें प्लांट ग्रो हो रहे मर नहीं रहे। सबसे पहली इसमें लाइटिंग देखो, ये एक नॉर्मल LED लाइट है, मैं आपको दिखाते, देखो ये एक नॉर्मल LED लाइट है यहाँ पर जो मैंने इसमें लगा के रखी है। ये मेरा 25 वॉट या 23 वॉट का स्ट्रॉन्ग लाइट, एक ये काफ़ी, इसको मैं 7 या 8 घंटे चालू रखता हूँ, मैक्सिमम 7 घंटे तो रहता ही इसे लाइट। इस वजह से इनका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है और लाइटिंग अच्छी मिलने की वजह से प्लांट भी अच्छे ग्रो होते हैं। दूसरा कंडीशन है, सॉरी दूसरा रीज़न है, इसमें जो यूज़ किया है, जो मैंने इसमें नीचे में जो मैंने डाली है गार्डन सॉइल, वो बहुत ही न्यूट्रिएंट सॉइल है, वो बहुत ही गार्डन सॉइल एक न्यूट्रिशन सॉइल है, जिस वजह से ये प्लांट इतने अच्छे, यहाँ देख सकते हो इतने अच्छे ये प्लांट ग्रो हो रहे हैं। इसकी वजह से देखो ऊपर में लीव्स आ रहे हैं धीरे धीरे, और अच्छे लीव्स आएंगे इसको और बुशी बन जाएंगे ये कुछ दिनों में। तो एक दूसरा रीज़न तो वो हो गया, ठीक है। और एक तीसरा रीज़न है कि मैं इसमें एक चीज़ यूज़ करता हूँ जो मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो, हाँ उल्टा दिखा रहा शायद मैं इसको ऐसे करके दिखाओ, हाँ ये देखो, हाँ ये है CO2 टैबलेट। अभी मैं इसको मैं यूज़ करके भी दिखाऊँगा आपको इसको यूज़ कैसे करते हैं। इसमें मैं सिर्फ एक ही टैबलेट यूज़ करता हूँ, जब भी मैं वीकली वाटर चेंज करता हूँ या हफ्ते में वाटर चेंज करता हूँ तो मैं इसमें एक टैबलेट इसका यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है ये प्लांट इतने अच्छे ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ये ऑप्शनल है, यूज़ करो या नहीं करो आपकी मर्जी, पर हाँ यूज़ करोगे तो अच्छा ही है प्लांट के लिए। ठीक है, तो इसको भी साइड में रख लेते हैं। वुड पीस देख सकते हो, मैंने आपको बोला है कि मैंने इसको मतलब ये उठ चुका है, तो सिंपली मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। पहले ये फ्लोटिंग प्लांट आप ऊपर देख रहे हो,
मैं ये सारे फ्लोटिंग प्लांट्स पहले ऐसे हटा दूंगा ताकि मेरे को क्लीनिंग करने में कुछ प्रॉब्लम अड़चन ना आए और थोड़ा अच्छे से मेरी क्लीनिंग हो जाए। इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये सारे वाटर कैबेज से देखो कितने मस्त है, इनको निकाल। नेक्स्ट काम हमारे यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा जो बढ़ चुके इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ। मैं यहाँ पे एक ब्रश का इस्तेमाल करता हूँ, ब्रश को थोड़ा पानी से लगाओ और जो ये आगे पीछे होते हैं इनको यहाँ से ऐसा आप अच्छे से इसको सर्व कर सकते हो। बहुत अच्छे से ऐसा करो, ये हार्ड वाटर स्टेन है जो हमेशा आते ही रहते, आपको इसको क्लीन करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई इलाज नहीं है। मैं कोई केमिकल यूज़ नहीं करता इसलिए मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करता कि आप केमिकल कोई यूज़ करो। उसके बाद में आप ऐसा ये थोड़ा सा नीचे भी इस तरह से क्लीनिंग कर सकते हो पूरी तरह से आगे पीछे, और ये जो स्टोन है आप चाहो तो स्टोन के ऊपर भी हल्का हल्का से ऐसा ब्रशिंग कर सकते हो, और थोड़ा सा इस नारियल के ऊपर भी कर सकते हो। करने के बाद में मैं आपको थोड़ा एक बार ऊपर से अच्छे से दिखाता हूँ, देखो। सो आप यहाँ पे इस प्लांट को देखो अच्छे से, आप ये प्लांट देख रहे हो कितना अच्छा ग्रो कर रहा है ये प्लांट। ये प्लांट मैंने बैकग्राउंड में लगाया है, इस अच्छा ग्रो कर रहा है। थोड़ा और ये ऊपर आएगा तो मैं इसे कट करके और नीचे लगा दूंगा और बुशी बनाएंगे, ठीक है। चलो क्लीनिंग, बैक टू द क्लीनिंग पे आते हैं फिर। से पोंछ देंगे चारों तरफ से, बस छोटा सा काम रहता है मेंटेनेंस में, उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, थोड़े थोड़े बातों पर ध्यान देना पड़ता है, उतना हार्ड नहीं। और एक लास्ट में मैं इसमें इसका जो मैंने वुड डाला था वुड को वापस से ऐड कर देंगे। सो इधर मैं आपको एक लुक दिखाता हूँ, ये देखो अभी आप इसमें ये देख सकते हो, ये पत्ती कितना मस्त सा लुक आने लग गया है इसमें। देखो थोड़ा सा पानी क्लाउडी है वो बाद में क्लीन हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से हमारा फिश बॉल दिखता है, यहाँ पे मैं इसको ऑक्सीजन सप्लाई अगर ऑन कर दूँ तो ये देखो इसमें ऑक्सीजन वहाँ से आना शुरू हो चुका है, कुछ इस तरह से ऑक्सीजन से शुरू रहता है। बाकी प्लांट देखो कितना मस्त सा ग्रो हो रहे हैं, एकदम मस्त सा जंगल लुक आ रहा है पूरा। तो बस कुछ इसी तरह से आपको इसका मेंटेन करना है, और ये इसका अपडेट वीडियो भी था। और एक लास्ट चीज़ आप देखते जाओ फिर वीडियो एंड करते हैं, लास्ट में मैंने आपको इस पैकेट के बारे में बताया था, स्टार्टिंग में सॉरी स्टार्टिंग में बताया था मैंने इस पैकेट के बारे में, जिसमें कुछ ये होते हैं इस तरह से, गलत मत समझना। ये पैकेट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो ये कुछ इस तरह से CO2 टैप्स होते हैं, इसको यहाँ पे डायरेक्टली आप इस तरह से पानी में डाल सकते हो। बस इतना करो, ये आपका हो गया मेंटेनेंस। इतना करने से ही हमारा फिश बॉल किस तरह से चमक रहा है, पूरा मेंटेन हो चुका है, देख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना था, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।